दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों, जिस तरह से ज़्यादा नमक खाना शरीर में कई बीमारियों को जन्म देता है, ठीक उसी तरह अगर आप ज़रूरत से कम नमक खाते हैं तो भी आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को आयोडीन नमक से ही मुख्य रूप से प्राप्त होता है। और अगर हमारे शरीर को आयोडीन और सोडियम क्लोराइड उचित मात्रा में नहीं मिलता है तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। तो आइए जानें कि कम नमक खाने से आप किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और आपको प्रतिदिन कितना नमक खाना चाहिए। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप लगातार कम नमक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में रेनिन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर ज़्यादा हो जाता है। लो सोडियम के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल 4.6% और ट्राइग्लिसराइड का स्तर 5.9 तक बढ़ जाता है। डायबिटीज़, दोस्तों कम नमक का सेवन करने पर आप टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कम सोडियम के कारण कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के संकेतों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देती, जिससे आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। हाइपोथायराइड की समस्या, दोस्तों आयोडीन की कमी का सीधा असर थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है और आपका थायराइड लेवल बढ़ सकता है। दिमाग में सूजन, दोस्तों कम नमक का सेवन करते रहने से लो बीपी की समस्या हो सकती है। ब्लड में सोडियम की कम मात्रा होने से हाइपोट्रेमिया की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और आगे चलकर ये दिमाग में सूजन, सिरदर्द आदि का खतरा बढ़ा सकता है। दोस्तों, नमक का सही इस्तेमाल शरीर के लिए फायदेमंद रहता है, न कम न ज़्यादा। रिसर्च के मुताबिक एक मनुष्य को हर रोज़ 2 से 3 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।